हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जिसमें इब्तिहाज शुक्र। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे एक टीवी का लोगो किस तरह से बनता है डबल सिलेंडर के अंदर। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हियर वी गो। टीवी का लोगो बनाने के लिए आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर शिफ्ट में आकर रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करना है। क्लिक एंड ड्रैग करके आपने एक इस तरह से रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद आप इसके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करके इसके एंकर पॉइंट्स को, कॉर्नर्स को, इनको राउंड कर देंगे। ठीक है, और इसके स्ट्रोक में दे देता हूँ 25 का। इसका फिल मैं इसका ऑफ कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट में जाकर एक्सपेंड अपीयरेंस कर लूँगा इनको। ठीक है, अब इसका ऊपर एंटीना टाइप का जो होता है वो दिखाना है हमने। जैसे यहाँ पर क्लिक एंड ड्रैग करके इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी है। इसका भी मैं 25 स्ट्रोक दे देता हूँ। ठीक है, और एक मैं सर्किल लगा लूँगा इसके ऊपर। सर्किल मैंने बनाया इस तरह से, क्लिक एंड ड्रैग करके मैंने सर्किल बना लिया। इसको मैं फिल के अंदर कर रहा हूँ। ठीक है, उसको फिल के अंदर करने के बाद आपने सेलेक्टेड, अब इन दोनों शेप को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म पर आएंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, इस तरह से कॉपी ले लेंगे इसकी। ठीक है, इस तरफ मूव करेंगे हम, और इसको थोड़ा सा हमने छोटा कर दिया इस लाइन को। ठीक है, दोनों का स्ट्रोक चेक कर लेता हूँ बराबर अगर है। इस तरह से मैंने बराबर कर दिया इक्वल, और दोनों को शेप को सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में जाएंगे, एक्सपेंड अपीयरेंस कर लेंगे इसका इस तरह से। ठीक है, अब क्या करूँगा, इन दोनों शेप को सेलेक्ट करके ग्रुप किया मैंने, इस शेप के साथ सेलेक्ट करके इसको सेंटर अलाइन किया, और इन तीनों शेप को सेलेक्ट करके पाथफाइंडर में आए और इनको यूनाइट कर लिया। यूनाइट करने के बाद आपने क्या करना है, ई प्रेस करना है और पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट पे आना है, और थोड़ा सा इसको इस तरह से पर्सपेक्टिव में दिखाना है, थोड़ा सा 3D, जैसे इधर से पतला हो रहा हो और इस तरह से थोड़ा सा बाहर आ रहा हो। ठीक है, थोड़ा सा और कर देते हैं इस तरह से हम। अब जिस तरह से हमने डेंटल के अंदर या सिक्योरिटी वाले लोगों के अंदर किया था, इस तरह से घूम के आ रहा था, सर्किल लिया हमने और क्लिक एंड ड्रैग करके मैंने एक सर्किल बना दिया। इसको ई प्रेस करके इसको इस तरह से थोड़ा सा मैं शेयर कर रहा हूँ, इधर तक मैंने इसको रख दिया। इसका मैं स्ट्रोक पे कन्वर्ट कर रहा हूँ इसको मैं। ठीक है, और एक एंकर पॉइंट मैं लगाऊंगा इसका यहाँ पर, दूसरा मैं एंकर पॉइंट लगा रहा हूँ यहाँ पर, तीसरा मैं सेंटर में लगा के इसको कंट्रोल एक्स प्रेस करके इसको डिलीट कर रहा हूँ। नीचे की तरफ मैं इनको मूव कर रहा हूँ इस लाइन को। ठीक है, सर्किल को इसका मैंने स्ट्रोक दे दिया 20 का। स्ट्रोक देने के बाद इसकी प्रोफाइल में जाकर ये वाला स्ट्रोक दे देंगे। इसका स्ट्रोक मैंने बढ़ा दिया, 25 कर दिया। ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ प्रेस करूँगा, और अभी लाइन के इस तरफ है स्ट्रोक, मुझे अंदर भी चाहिए क्योंकि ये वाला पार्ट हमने कट आउट करके निकालना है। सिंपली क्या करेंगे, फ्लिप अक्रॉस करेंगे इस वाली लाइन को। ठीक है, और इसको हमने वाइट का स्ट्रोक दे दिया इस तरह से। ठीक है, इसका स्ट्रोक मैं कम कर रहा हूँ, 15 का कर दिया मैंने। अब इन तीनों दोनों लाइंस को सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में आए, एक्सपेंड अपीयरेंस कर लेंगे। ठीक है, एक्सपेंड अपीयरेंस करने के बाद आपने क्या करना है, इसको टीवी के साथ सिलेक्ट किया, पाथफाइंडर पर आए और डिवाइड करके आपने इसके साथ इसको डिवाइड कर दिया, और मैजिक पेन टूल ही आपने वाइट वाला जितना भी पार्ट है आपने सेलेक्ट करके इस तरह से डिलीट कर देना है। ठीक है, अब सब शेप को सिलेक्ट किया है, पाथफाइंडर पर आए, इनको यूनाइट कर लिया। अच्छा, यहाँ पर देख रहे हैं थोड़ा सा ही पार्ट आ रहा है, इस वाले शेप को सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी होगा, इसको भी सिलेक्ट करके आपने डिलीट कर देना। ठीक है, अब इसका हम कोई कलर दे देते हैं। कलर देने के लिए सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर स्विचेस में आए, आपने इसको लाइट ब्लू किया, और ये वाले शेप को सिलेक्ट करके आपने इसको डार्कर कोई शेप दे दिया, डार्कर ब्लू कर दिया। तो इस तरह से आपका एक अच्छा सा एक टीवी का आइकन बन जाएगा। तो आज की वीडियो के अंदर आपने देखा कि सिंपली एक टीवी का आइकन किस तरह से बनता है बेसिक शेप्स की मदद से डबल सिलेंडर के अंदर। इस तरह के लोगों से आप सिंपली अपने कोई भी, अगर ऑनलाइन कोई भी टीवी का काम है, बिजनेस है, या कोई भी केबल का काम है, उसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं, और मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं अपने लोगोज बनाकर। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।